दोस्तों, कुमार के किचन में अभी सांभर बनने जा रहा है। इसके लिए तुअर दाल एक घंटे से पानी में भिगो के रखे थे। अभी देखिए आगे क्या हो रहा है सांभर के लिए। दोस्तों, ये तुअर दाल में थोड़ी सी हल्दी जा रहा है नमक के हिसाब से। अभी इसको उबालेंगे, इसका झाग निकालेंगे, फिर सीटी लगाएंगे सांभर के लिए। दोस्तों, अब सांभर बनाने के लिए इसकी सब्जी की तैयारी होने जा रहा है। ये डाठा है, हम लोग सजना बोलते हैं, आपके उधर क्या बोलते हैं बताइएगा। देखिए सांभर के लिए दोस्तों एकदम डाठा अच्छे से छील लिए हैं। ये इसका छिलका है, ये कड़ुआ होता है, इसके लिए बहुत अच्छे से इसको साफ किए हैं। सांभर के लिए कद्दू, बैंगन और डाठा इसके अंदर जाएगा। दोस्तों ये रहिए वीडियो में। देखिए कद्दू को एकदम छोटा छोटा टुकड़े में काटे हैं, बैंगन को भी छोटा छोटा टुकड़े में। इसके लिए गलने के लिए आसान होता है। इसको अच्छे से पानी में डुबा के रखेंगे या पानी में खुले नलके के पास धोएंगे इसको। नमस्कार दोस्तों, कुमार के किचन में एक नई अंदाज में सबको स्वागत है। सांभर का प्याज टमाटर काटने जा रहे हैं। दोस्तों, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, करी पत्ता, सरसों राई, ये जाएगा अभी गरम तेल में। दोस्तों, ये प्याज कट चुका है, अभी ये ऐसा डालने के लिए छोटी छोटी प्याज चॉप। और अभी इसके अंदर प्याज चला गया दोस्तों, अच्छे से दो मिनट इसको भूनेंगे। इसके अंदर टमाटर आने वाला है, सांभर का मसाला बन रहा है। दोस्तों, ये टमाटर कट चुका है, कुछ सेकंड के बाद डालने वाले हैं। दोस्तों, थोड़ा सा प्याज पक चुका है, अभी इसके अंदर देखिए टमाटर जा रहा है। दोस्तों, अभी इसके अंदर मसाला ऐड नहीं किए हैं, दो मिनट और इसको पकाएंगे, फिर इसके बाद मसाला डालेंगे सांभर के अंदर। दोस्तों, इसके बाद में ये सब्जी जाने वाला है। दोस्तों, इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची, इसके सब्जी जो है उसके हिसाब से नमक दाल में डाला हुआ है। नमक, इसके धनिया पाउडर, इसकी हल्दी। देखिए दोस्तों, अच्छे से मसाला भून गया, तेल छोड़ दिया है मसाला। अब इसके अंदर ये सब्जी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। दोस्तों, ये देखिए इसके अंदर सारा सब्जी गया, ये 10 से 15 मिनट पकेगा। थोड़ा वो जो डाठा है वो पक जाएगा अच्छे से, फिर इसके अंदर दाल मिक्स करने वाले हैं तो सांभर रेडी हो जाएगा। दोस्तों, इसके अंदर थोड़ी सी पानी डालेंगे स्टीम करने के लिए। देखिए दोस्तों, कितना अच्छे से सब्जी पक चुका है। अब इसके अंदर सांभर जाने वाला है, यानी अरहर का दाल। वीडियो में दिखाया था पतला पतला अरहर का दाल, सीटी दिला चुके हैं इसको। दोस्तों, ये देखिए गर्मा गर्म सांभर, इडली सांभर तैयार हो चुके हैं सारा चीज। अब वीडियो यहीं एंड करते हैं। दोस्तों, ये रहा सांभर, रहा इडली। वीडियो यहीं एंड होने जा रहा है दोस्तों, इडली सांभर के साथ। दोस्तों, चटनी, इडली सांभर चटनी के साथ में कुमार के किचन में नई अंदाज में। आपको समझ में आए तो वीडियो देखिए अच्छे से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सांभर रहा अपनी अंदाज में, तो इडली एक नई अंदाज में कुमार के किचन में। दिल की गहराइयों से बने रहिए। और दोस्तों, ये रहा चटनी, हरी इडली सांभर चटनी।
कुमार की कहानी दिल की गहराइयों से एक नई अंदाज में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वीडियो एंड होने जा रहा है। चटनी डोसा के साथ में खाइए या इडली के साथ में खाइए। दोस्तों इडली गर्मा गर्म डोसा इडली चटनी सांभर के और नारियल के हरी चटनी और इडली, सब तीनों चारों चीज़ तैयार हो चुका है। जो अच्छा लगे, जिसके साथ में जो जमे वो खाना चाहिए।